और दोस्तों आज के इस वीडियो में अमीर बहाली को लेकर अपडेट्स जानेंगे, जैसे कि एलआरसी की तरफ से एक ऑफिशियली नोटिस भी जारी किया गया। उस नोटिस में जो कोटिवार सूची मांगा गया था और उसके बाद चयन आयोग को जो दिया जाएगा कोटिवार सूची, और उसके बाद बीसीसी आप लोगों की जो आवेदन की प्रक्रिया है वो जल्द लाने वाली है, और किस तरीके से आपका बहाली का प्रोसेस होंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको डिटेल्स में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि अमीन की बहाली को लेकर अभी फ़िलहाल क्या कुछ अपडेट है। जैसे कि आप सब की वैकेंसी को रद्द हुए बहुत दिन हो चुके हैं, और फिलहाल जो इस पे जो केस हुए हैं उसका भी एक मंथ से ज़्यादा हो चुका है। जैसे कि 6 जनवरी को ही केस का फाइलिंग हुए थे, लेकिन अभी तक इसके रिगार्डिंग कोई जो फर्स्ट सुनवाई जो होते हैं उसकी रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आया है, ना ही अभी CWJC नंबर आप लोगों को दिया गया है। और यदि हम बात करें जो LRC का ऑफिशियली नोटिस को लेकर, तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या कुछ ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया, और उसके बाद हम लोग बहाली के डेट के बारे में जानेंगे। ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी अभी तक फ़िलहाल सीट खाली है, जो 10,101 पदों पर निकाला गया था वैकेंसी, उसके बाद भी इसमें सीट खाली बचा हुआ है, तो उसी को लेकर कोटिवार सूची मांगा गया था। उसके बाद जैसे कि 10,101 पदों पर बहाली निकाली गई थी, अब इसमें जो और पद खाली हुए हैं उसको भी इसमें जोड़ा जाएगा। उसके बाद जैसे कि कोटिवार रोस्टर जारी किया जाएगा, जैसे कि इसमें दे दिया गया, और उसके बाद चयन आयोग को सौंपा जाएगा, और आप लोगों की जो प्रक्रिया है वो LRC सब BCC को कंडक्ट करने के लिए बोला गया है, तो BCC को दिया जाएगा। तो उसके बाद BCC जो विज्ञापन होंगे किसमें कितने पद को लेकर आप लोगों की बहाली निकालनी है, आवेदन की प्रक्रिया शुरू किए जाएंगे। तो इतना तो कन्फर्म है कि आप लोगों को जो नंबर ऑफ सीट थे उसमें बढ़ोतरी ही होंगे, कम नहीं होंगे। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहे कि आप लोगों की जो नंबर ऑफ सीट निकाला गया था, जैसे अमीन के लिए 8244 पदों पर निकाला गया था, तो इसमें कह सकते हैं कि इसका नंबर ऑफ सीट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। और भी जैसे क्लर्क पे निकाला गया था, क्लर्क पोस्ट पे, कानून गो, बंदोबस्त पदाधिकारी, उन सब में थोड़ा सा इंक्रीज ही देखने को मिलेंगे। तो ये आप सबके लिए अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है, क्योंकि जब सीट बढ़ेगा तो ज़्यादा अभ्यर्थियों के इसमें चांस मिलेंगे। और LRC के रिगार्डिंग जो केस को लेकर अपडेट आएंगे तो हम निश्चित रूप से हम आपको बताएंगे। जैसे कि पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर हमने चेक किया, अभी तक आप लोगों के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं आया है, और जैसे ही अपडेट आएंगे हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहे, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको LRC अमीन के रिगार्डिंग सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।